Hi everyone, assalamu alaikum. Myself Muhammad Usman Munir, your tutor providing you free education. Welcome back to my channel Tuition Bank. So let's start our new lecture for class 9th, Physics, chapter number 1, Physical Quantities and Measurements. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तमाम वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। इसके अलावा वीडियो के मुतालिक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन राइट कर देना, इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन का रिप्लाई इमीडिएटली दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम मेजरिंग सिलेंडर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कम्प्लीटली। मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, किस काम आता है और कितनी टाइप का होता है और हम इसको इस्तेमाल करके किन किन चीज़ों के वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा तो वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है मेजरिंग सिलेंडर का और पिछले तमाम लेक्चर्स का, तो वो पहले तमाम लेक्चर्स पढ़ ले और उसके बाद आज का टॉपिक जो है सिग्निफिकेंट फिगर उसमें शामिल हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पेज नंबर 20 पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। तो आज हमने पढ़ना है कौन कौन सी वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है और उनका रूल क्या है, किस रूल के मुताबिक हम इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि किस रूल के तहत, यानी कि कौन सी ऐसी तारीफ है, कौन सी ऐसी डेफिनेशन है जिसके तहत हम वैल्यूज़ को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। ईच ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर आर यूज टू एक्सप्रेस इट टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। हर एक डिजिट जो कि एक ख़ास एक्यूरेसी बताता है, एक ख़ास डिग्री को नॉमिनेट करता है, उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी कि नॉन ज़ीरो डिजिट से स्टार्ट होता है और फिर तमाम नंबर्स जो कि हम काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर आपका 10 अगेन 1 और 0 के साथ मिलके बना होता है। तो शुरू वाला नंबर 0 ना हो, उसके अलावा बाकी तमाम डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब इनको हम रूल से पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज़ें हमने पढ़नी है, डिस्कस करनी है, उनसे पहले हमें वो क्वांटिटी जो कि सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताएगी कि इस क्वांटिटी के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उनको मेजर करना और उनकी एक्यूरेसी किस तरीके से हमारे पास सही तरीके से आएगी वो जानना बड़ा ज़रूरी है। तो लिहाजा एक्यूरेसी ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में देख लेते हैं कि ये जो एक्यूरेसी हमने पढ़नी है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की वो कैसे आएगी, कौन से ऐसे मेथड्स हैं या किन तरीक़ाकार के तहत हमारे पास अच्छी वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू आती है। उसके तीन रूल हैं। पहला है एवरी मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड इट्स ट्रू वैल्यू। आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं उनको आपने एक्यूरेटली मेजर करना है, उसकी ट्रू वैल्यू लेनी है। अब ये ट्रू वैल्यू आएगी कैसे, कौन से मेथड्स के जरिए आएगी। द एक्यूरेसी इज मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अ वेरियस फैक्टर, मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। यानी कि हमारे पास एक वैल्यू है लाइक 204 नंबर, 204 नंबर किस तरीके से आया, कौन से टूल्स के जरिए मेजर किया हमने ये 204 और क्या ये 204 एक्यूरेट है, जिसने मेजर किया उस बंदे का तजर्बा कितना था। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना है। तो लिहाजा यहाँ पे जो हमने डिस्कस करना है वो तीन मेजर रूल है। इन तीनों रूल्स को अगर हम मद्देनज़र रखेंगे और इनका ख्याल रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू फिज़िकल क्वांटिटी आएगी वो बड़ी एक्यूरेट आएगी। अब कौन कौन से तीन रूल हैं वो पढ़ लेते हैं। पहला रूल, सबसे पहला रूल वो ये है द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आप जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, यानी कितना अच्छा है। लास्ट टाइम हम लोगों ने मीटर रूल, मेजरिंग सिलेंडर के बारे में पढ़ा, मीटर रूल के बारे में पढ़ा, वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा, स्क्रू गेज के बारे में पढ़ा। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट कहीं ना कहीं वैल्यू को जाके मिनिमम लेवल तक हमें दे देते थे, इसके बाद नीचे तक वैल्यू मेजर करने के काबिल नहीं थे। यानी कि मिनिमम लेवल के ऊपर जो हमें इंस्ट्रूमेंट वैल्यू देता था वो था लीस्ट काउंट।
लेकिन हमने जब वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज को डिस्कस किया था तो उस वक्त दो चीज़ें हमने पढ़ी कि ये बिल्कुल करेक्ट भी होते हैं लेकिन ख़राब भी होते हैं। जब ख़राब होते हैं तो उसमें एरर आता है, जिसे ज़ीरो एरर का नाम दिया था, वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो इंस्ट्रूमेंट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसा है, वो कितना अच्छा है, कितना पावरफुल है, तो उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट को अच्छे तरीके से यूज़ करना भी आना चाहिए और अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेना है। तो पहली चीज़, जिन चीज़ों से आप वैल्यू मेजर कर रहे हैं वो कितने पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि आपके पास अगर मीटर रूल है या स्क्रू गेज है या आपके पास स्केल है या कोई मीटर है जिसके ज़रिए आप किसी चीज़ की वैल्यू मेजर करने लगे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट कितनी अच्छी क्वालिटी का, पहला रूल। दूसरा क्या, जो बंदा एक्सपेरिमेंट करने लगा है उसके पास तजर्बा कितना है, द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी कि ऑब्जर्वर जिसने ये चीज़ को ऑब्जर्व करना है, वैल्यू को ऑब्जर्व करना है, निकालना है, उसका तजर्बा कितना है। ठीक है, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो ऑब्जर्वर होता है, जो पर्सन उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा होता है, उसके पास कितनी स्किल्स है, उन स्किल्स को भी देखना हमें। इसके बाद तीसरा और लास्ट फैक्टर जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, आपने ये एक्सपेरिमेंट कितनी दफ़ा रिपीट किया, यानी कि हाउ मैनी टाइम यू रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट, कितनी दफ़ा आपने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है, बार बार किया है, क्योंकि बार बार करने से आपको अच्छी वैल्यू मिलती है। तो ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। तीसरी वैल्यू क्या है, तीसरा फैक्टर क्या है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड्स, कितनी दफ़ा आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है, एक बार किया है, दो बार किया है, जितनी बार करते जाएंगे बेहतर से बेहतर वैल्यू मिलती जाएगी। तो लिहाजा कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर हमें ये तीन फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए हासिल होती है, और जितने आप इन फैक्टर्स पर कंसंट्रेट करेंगे, जितना इन फैक्टर्स को फोकस करके वैल्यू मेजर करेंगे, आपकी वो सिग्निफिकेंट फिगर उतनी ही अच्छी और एक्यूरेट आएगी। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में देखना है कि ये होती कौन सी हैं, कैसे आती हैं, वो तो पता चल गया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आएंगी। कौन लेके आएगा, ऑब्जर्वर लेके आएगा मेजर करके, ठीक है, कैसे लेके आएगा, बार बार रेपिटेशन करके, मजीद एक्सपेरिमेंट करेगा, बार बार एक्सपेरिमेंट करेगा, अच्छी से अच्छी वैल्यू देगा। अब जो वैल्यू दे दी उनको किस रूल के तहत देखना है कि इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो रूल हमने डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ। एक बुक है, उस बुक की लेंथ को मेजर करना है। अब वो बुक कौन सी है, ये एक बुक पड़ी हुई है, इस बुक में ये स्केल इसके साथ लगा दिया गया। अब तीन स्टूडेंट्स को बुलाया गया। सबसे पहले एक स्टूडेंट आया, उसने कहा कि सर इस बुक की वैल्यू, इस बुक की लेंथ, यानी कि ये बुक कितनी लॉन्ग है, वो मैं मेजर करके देता हूँ। ठीक है जी, आप करें मेजर। ठीक है, इस बच्चे ने, जो पहला स्टूडेंट आया था, इसने इसकी लेंथ मेजर करके दी, यानी कि इस बुक के साथ स्केल लगाया, और स्केल लगाने के बाद एक वैल्यू बताई कि सर इसकी वैल्यू 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उसने बता दी वैल्यू। तो लिहाजा अब दूसरे बच्चे को बुलाया गया कि जी आप भी आएं और आके इस बुक की जो लेंथ है वो बताएं कितनी है, आप भी एक्सपेरिमेंट करें, स्केल लगाएं और चेक करें कि ये कितनी वैल्यू देता। उसने जब मेजर करके दिया तो उसने ज़रा अच्छे तरीके से मेजर किया, ज़रा गौर करके मेजर किया, और पॉइंट्स में उसने वैल्यू बता दी, यानी कि उसने कहा जी 18 सेंटीमीटर से ज़्यादा कितनी, 18.4। उसने कहा इस बुक की जो लेंथ है वो है 18.4। फिर तीसरे स्टूडेंट को बुलाया गया कि आप भी मेहनत करें कुछ और इस बुक की लेंथ को मेजर करके दें। इसी तरह इस बुक के साथ इसी स्केल को लगाया गया और इसने जो वैल्यू मेजर करके दी, इसने कहा 18.425। यानी कि पहले स्टूडेंट ने कहा इस बुक की लेंथ है 18 सेंटीमीटर, दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि जी इसकी लेंथ है 18.4 सेंटीमीटर, तीसरे स्टूडेंट ने कहा इसकी लेंथ है 18.425। ठीक है जी, तीनों बच्चों ने अब वैल्यूज दे दी। इन तीनों बच्चों से एक क्वेश्चन हुआ, आपने ये जो वैल्यूज दी हैं बताएं ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके दिया। इन तीनों ने जवाब दिया कि जी हमने इनको इस्तेमाल करते हुए मीटर रूल को इस्तेमाल किया, यानी कि बुक की लेंथ मेजर करने के लिए ये मीटर रूल यानी कि स्केल लगाया था, तो उसके जरिए मेजर हुआ। तो फौरन एकदम से जहन वहां पे चला गया मीटर रूल वाले टॉपिक पे, और देखा कि मीटर रूल जो है वो मिलीमीटर तक पैमाइश कर सकता है, 1 मिलीमीटर तक, यानी कि सेंटीमीटर में तो वो करता है, ओके है।
लेकिन वो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में भी पेमाइश करके देता है, लेकिन एक मिलीमीटर तक इससे छोटी वैल्यू नहीं देता। इसका मतलब है कि हमें ये जो थर्ड स्टूडेंट ने वैल्यू मेजर करके दी कि एक सेंटीमीटर के हज़ारवें हिस्से तक की पेमाइश कर दी, यानी कि एक सेंटीमीटर के हज़ारवें हिस्से की पेमाइश करके दी, एक मिलीमीटर के सौवें हिस्से की पेमाइश कर दी दे दी, जो कि ये मीटर रूल के ज़रिए पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब वैल्यूज़ में डाउट आ गए, जो कि ऑब्जर्व कर रहे थे बच्चे। ये तीसरा बच्चा जो अपनी एफिशिएंसी दिखा रहा था कि मेरी वैल्यू बड़ी एक्यूरेट है, जब पूछा गया कि आपने इस्तेमाल क्या किया, तो इसने कहा मीटर रूल तो भाई एक मिलीमीटर तक पेमाइश करते हैं, इससे छोटी पेमाइश कर ही नहीं सकता, तो आपने कैसे 18.425 यानी कि ये मैयर कर दिया। तो पहले स्टूडेंट की दफ़ा ये जो 8 आया ना, ये डाउटफुल हो गया। कैसे डाउटफुल हुआ कि हमने अपने तसव्वुर को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि एज अ ऑब्जर्वर, कहा कि हो सकता है इस बुक की लेंथ 18 ना हो, यानी 17 भी हो सकती है और 19 भी हो सकती है, ठीक है। तो 18 के बजाय हमारे माइंड में आया हो सकता है 17 हो सकता है 19 हो। तो पहला फिगर तो एक ही रहा ना, पहला फिगर एक ही रहा, एक के साथ जो 8 लगा हुआ है ना, उस पर डाउट आ गया, यानी कि वो 7 भी हो सकता है। अगर एक 7 के साथ लगेगा तो क्या हो जाएगा, 17, और अगर एक 8 के साथ लगेगा तो 18 हो जाएगा, और एक अगर 9 के साथ लगेगा तो 19 हो जाएगा। पहली फिगर एक्यूरेट है, हमने कहा जी ठीक है, ये जो एक है वो ओके है, आपका ये 8 जो है वो डाउटफुल है। दूसरे बच्चे पे आ गए, उसने कहा जी 18.4, हमने कहा ठीक है 18, ठीक है 18 मानने को आता है, लेकिन तुम्हारा ये जो 4 है ना, ये 4 ये डाउटफुल है, ठीक है, हो सकता है ये सिग्निफिकेंट फिगर ना हो, मतलब डाउट में आ गया, ये फिगर डाउट में आ गई कि ये इसमें डाउट आ रहा है। 18 तो ठीक है, हो सकता है 18.3 हो, 18.5 हो, 18.6 हो, 18.2 हो, तो ये 4 आपका डाउटफुल है। जबकि तीसरे स्टूडेंट के बारे में जब डिस्कवर हुआ तो मीटर रूल 18.4 सेंटीमीटर तक ठीक था, लेकिन उसने जो 2.5 लगाया ये तो मेजर कर ही नहीं सकता, लिहाजा इसके दोनों के दोनों फिगर्स जो हैं वो डाउट में चले गए। लिहाजा 18 वाले का 8 डाउट में चला गया। नो डाउट मीटर रूल सेंटीमीटर में सही पेमाइश करके देता है, लेकिन फिर भी हमने एज अ ऑब्जर्वर सोचना है कि हो सकता है 18 के बजाय 19 या 17 सेंटीमीटर हो। इसने कहा 18.4, हमने कहा जी 18 ठीक है, चलो मान लेते हैं 18 आ गई वैल्यू, लेकिन 4 डाउट में चला गया, हो सकता है 4 के बजाय ये हो 3 या 5 हो। इसकी वैल्यू आई तो ये इसने इस भाईजान ने इतनी एफिशिएंसी दिखाई कि इसने कहा इसकी वैल्यू है 18.425। कैसे, मीटर रूल तो 2.5 तो मेजर कर ही नहीं सकता पॉइंट के बाद, तो आपने कैसे मेजर कर लिया। तो लिहाजा ऑब्जर्वर का यहाँ पे ऑब्जर्व करने की जो स्किल है वो बहुत बहुत मैटर कर रही होती है, वो अपने से वैल्यूज़ ना लगा के दे, आपने इंस्ट्रूमेंट को भी देखना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितनी अच्छी वैल्यूज़ दे रहा है। तो यहाँ पे मीटर रूल सिर्फ 1 मिलीमीटर तक की पेमाइश दे सकता है, लिहाजा इसका 8, इसका 4 और इसका 2.5 ये डाउट में चले गए, ठीक है। तो इस वजह से फिर हमने क्या कहा कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप उनको इस्तेमाल करते हुए अच्छी से अच्छी वैल्यूज़ ले सकते हैं। देखें ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मीटर रूल 18.4 तक ओके था, ठीक है, क्योंकि समझ आती है कि 18.4 सेंटीमीटर तक पेमाइश करके दी, गुड। जबकि अगर वर्नियर पे चले जाएँ 18.42, क्योंकि 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक वर्नियर कैलिपर पेमाइश करके देता है, ठीक है। और जो थर्ड स्टूडेंट ने पीछे अभी देखा कि 18.425 वैल्यू मेजर करके दी, वो समझ में नहीं आ रही थी स्क्रू गेज के बगैर, उसने खाली मीटर रूल को इस्तेमाल करते हुए वैल्यू बताई जो कि 18.425 था, जो कि पॉसिबल ही नहीं था प्रैक्टिकल, वैसे भी पॉसिबल नहीं था मीटर रूल के लिए। तो लिहाजा अगर हमने उस वैल्यू को सोचना है तो हमारे जेहन में वो टॉपिक आना चाहिए जो हम पीछे पढ़ चुके हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, कि मीटर रूल 1 मिलीमीटर तक सही पेमाइश करता है, वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की पेमाइश करता है, जबकि स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक की सही पेमाइश करके देता है। लिहाजा जो वैल्यू तीसरे स्टूडेंट ने बताई थी 18.425, वो स्क्रू गेज के जरिए पॉसिबल था, वैसे तो पॉसिबल ही नहीं था, बल्कि इवन उसका जो 2 है ये वाला 18.425 में ये जो 2 आ रहा है आपको नज़र, ये वाली वैल्यू, ये तो वर्नियर कैलिपर के जरिए निकल सकती थी, उसने ये भी वैल्यू बता दी
और तीसरी वैल्यू जो कि वर्नियर के जरिए भी पॉसिबल नहीं थी, जो कि स्क्रू गेज बता सकता था, वो भी भाईजान ने मीटर रूल के जरिए बता दी। तो लिहाजा ऑब्जर्वर का गुड होना बड़ा ज़रूरी है। आप जिस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा हो और किस कैलिबर का है, आपने अच्छी क्वालिटी का वो टूल इस्तेमाल करना है। और तीसरी चीज़, कितनी दफ़ा आपने बार 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 एक्सपेरिमेंट किया और वो इंस्ट्रूमेंट बार बार वही वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब है हाँ अब ठीक है, अब जो वैल्यू आई है वो ओके है। तो लिहाजा बेटर इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करने एंड इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग बाय यूजिंग अ बेटर इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज द सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर रिजल्ट। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आती है आपके एक एक्सपेरिमेंट को बार 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 परफॉर्म करने से, वो कैसे आती है, वो बेटर से बेटर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें। मीटर रूल को भी कर सकते हैं ठीक है, लेकिन ख़ास हद तक वर्नियर पे चले जाएं। अगर आपने 1 मिलीमीटर के छोटे हिस्से तक पैमाइश करनी है, उससे भी छोटे हिस्से तक पैमाइश करनी है, तो स्क्रू गेज पे चले जाएं। आप अच्छा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें तो आपको अच्छी वैल्यू मेजर करने को मिलेगी। अब आ जाएं रूल्स पे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हमने ये सारी बेस तैयार की कि बंदा कैसा होना चाहिए, टूल कैसा होना चाहिए, कितनी बार वो परफॉर्म करे, तो जो वैल्यू आती है हमारे पास वो किस रूल के तहत सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगी। अब उन रूल्स पे आ जाएं। वैल्यू आ गई, अब वो वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 8 है 10 है, कितने भी हैं, वो कैसे पता चलेगा, वो रूल पढ़े होंगे तो पता चलेगा। पहला रूल, द फॉलोइंग रूल आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट फिगर। इन रूल्स को याद रखना। पहला रूल क्या, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ये कहीं पे भी आ जाए, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वैल्यूज कहीं पे भी आ जाए, ये सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। ठीक है, ये जेन में रखने, नॉन जीरो डिजिट्स, ये सारे के सारे नॉन डिजिट्स हैं। आपको 1 से लेकर 9 तक ये सारे नंबर्स जो नजर आ रहे हैं ये नॉन डिजिट्स और नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो जीरो के अलावा जितने भी फिगर्स हैं ये सिग्निफिकेंट है। जैसे लिखा हुआ है 27, तो 27 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 2। कौन कौन सा देख लेते हैं, ये है 2 और ये है 7, 2 नंबर यानी 2 डिजिट्स वाला ये नंबर है 27। तो 2 भी सिग्निफिकेंट फिगर है और 7 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका मतलब है इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। दूसरा 275 यानी कि 275 है, तो ये भी दोनों के, ये तीनों के तीनों डिजिट्स नॉन जीरो है, इसमें जीरो नहीं है। तो लिहाजा 275 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 3। पहला रूल जहन में बिठा लें, जीरो के अलावा अभी जीरो के अलावा सारे के सारे नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं। जीरो होता है सिग्निफिकेंट, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। ये अभी पहला रूल बताया जो आसान है कि जीरो के अलावा 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब पढ़ते हैं दूसरा रूल, जीरो कब जो है वो सिग्निफिकेंट बनता है। जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जब जीरो आ जाता है तो भी वो सिग्निफिकेंट बन जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये देखें 2705, यानी कि जीरो से इस तरफ भी 2 वैल्यूज़ हैं जो कि सिग्निफिकेंट है और जीरो से इस तरफ भी 2 वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू है जो कि सिग्निफिकेंट है, यानी 5। अभी पढ़ा ना पहला रूल यही था कि जीरो के अलावा बाकी जो भी डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है जी, 2 सिग्निफिकेंट 1 डिजिट आ गया, 7 सिग्निफिकेंट है ये दूसरा डिजिट आ गया, इसके बाद ये 5 सिग्निफिकेंट है ये तीसरा डिजिट आ गया, लेकिन जीरो इनके दरमियान में है। जब जीरो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट बन जाता है। पहले रूल में मैंने आपको बताया कि जीरो नहीं होता, लेकिन जीरो कब होता है उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जीरो के इधर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हों और इधर भी सिग्निफिकेंट फिगर हों, ठीक है, तो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता है। ठीक है जी, समझ आ गई। ये लिखा हुआ है 508, तो जीरो के इधर 5 है इधर 8 है, दोनों सिग्निफिकेंट है, तो जीरो भी क्या हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। फिर इसी तरह ये 2 जीरो आ गए, 87002, तो इन दोनों जीरो के इस तरफ भी सिग्निफिकेंट फिगर है, इस तरफ भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जब जीरो किसी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाता है। लिहाजा ये वाला जीरो और ये दोनों जीरो, ये दोनों क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और रूल नंबर 2 भी याद हो गया। ठीक है, दोबारा रिवाइज करते रहें, जहन में बिठाते रहें कि
सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स ऑलवेज सिग्निफिकेंट, रूल नंबर वन। रूल नंबर टू क्या है कि जीरो अगर किसी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट बन जाता है। चलें जी रूल नंबर तीन पे चलते हैं। रूल नंबर तीन क्या है हमारा, फाइनल और एंडिंग जीरो ऑन द राइट इन द डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट, यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू जो होती है ना उन पॉइंट्स के राइट साइड पे, उन पॉइंट्स के राइट साइड पे जो ज़ीरो आ जाते हैं ना वो सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी जिसे एंडिंग ज़ीरो भी कहते हैं। ठीक है, 12.002 हो गया या 12.00 हो गया, तो पॉइंट्स के बाद, पहले मैंने आपको कहा कि ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, दूसरे रोल में मैंने अपनी बात चेंज कर दी, वो कहा कि जिस ज़ीरो अगर किसी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ठीक है जी, कंडीशन लग गई। तीसरी में भी कंडीशन है कि अगर ज़ीरो से पहले पॉइंट लग जाए और ज़ीरो पॉइंट के बाद आए, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाता है। कैसे, ये देखें, 275 जो पहले हमने पहली मिसाल में पढ़ा था कि 275 तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला है, लेकिन पॉइंट लगने के बाद दो ज़ीरो आ गए हैं तो पॉइंट के बाद वाले ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। ठीक है जी, तो ये देखें ये कितने हो गए, 275.00। ठीक है, तो ये तीन तो ये हो गए, पॉइंट के बाद वाले भी फिर ज़ीरो थे तो वो पॉइंट के चूंकि राइट साइड में आए हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गए, तो लिहाजा अब ये तीन डिजिट्स नहीं रहे बल्कि क्या हो गए, पांच सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसी तरह ये देखिए 5.02 पॉइंट के बाद आया और फिर उसके बाद तो सिग्निफिकेंट फिगर लग गया, अब तो ये पक्का वाला जिसे कहते हैं ना सिग्निफिकेंट फिगर, ये वो हो गया क्योंकि उससे पहले भी पांच सिग्निफिकेंट है और ज़ीरो के बाद दो है वो भी सिग्निफिकेंट है, और फिर तीसरी कंडीशन तो ऑलरेडी मैच होगी कि पॉइंट ज़ीरो के पहले है, ज़ीरो पॉइंट के बाद है, राइट साइड पे है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। इसी तरह 36701.00, अब यहाँ पे फिर पॉइंट के बाद क्या है, डबल ज़ीरो लग गया, तो पॉइंट के आगे वाले एंडिंग ज़ीरो, ठीक है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जो नंबर आते हैं ये क्या होते हैं, ये भी सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। ठीक है जी, अब रूल याद रखने हैं आपने के ज़ीरो कब कब सिग्निफिकेंट बनता है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाए तो भी वो सिग्निफिकेंट बन जाता है, या पॉइंट के राइट साइड पे आ जाए तो भी सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता है। चौथा रूल, ज़ीरो रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि पॉइंट के लेफ्ट साइड पे अगर कोई ज़ीरो आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन पॉइंट के बाद अगर आ जाता है और उसके बाद कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इस पे अब डाउट आ गया, यानी कि अब ये यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन होने लगी है। ये ज़रा अब आपने अपने जहन में बिठा के ये पॉइंट समझना है, जब तक आपके जहन में ये पॉइंट बैठेगा नहीं आप कन्फ्यूजन में ही रहेंगे। मैं इटसेल्फ खुद भी जब मैंने सिग्निफिकेंट फिगर अपनी दफ़ा पढ़ा था तो बिल्कुल समझ नहीं आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे जैसे आप अगले लेवल पे जाते हैं आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आना शुरू हो जाती हैं, आपके सामने मतलब चीज़ें खुल जाती हैं। तो अब ये पॉइंट आपने जहन में रख के समझना है तो आपको समझ आएगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे आपको समझ आएगा। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल मैंने कहा ज़ीरो के अलावा सारे के सारे नंबर जो है सिग्निफिकेंट होते हैं, कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, सिग्निफिकेंट है। चलें जी दूसरे रूल पे आ जाए। दूसरा रूल ये पढ़ा कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनके दरमियान में ज़ीरो आ गया वो भी क्या बन जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। ठीक है जी, दूसरा रूल भी पूरा हो गया। तीसरे रूल पे चलें। तीसरा रूल ये पढ़ा है कि पॉइंट के बाद जो ज़ीरो आते हैं, एंडिंग ज़ीरो जिसे कहा जाता है, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, मिसाल हमने पढ़ी, लेकिन अब जो चौथा रूल है ना ये डिस्टर्ब करेगा बच्चों को, ये आपको डिस्टर्ब कर सकता है। कैसे, पॉइंट के बाद वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट होता है, पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो ज़ीरो आते हैं, राइट साइड पे जो ज़ीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ये राइट हैंड है ना, अब फ्रंट कैमरा आपको शायद मेरा लेफ्ट हैंड लग रहा होगा लेकिन ये राइट हैंड है। तो ज़ीरो पॉइंट के राइट साइड पे जब आते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन
अब ये रूल जो चौथा है ना, इसने राइट वालों को भी जो है ना वो फारिग कर देना, ये जरा गौर से समझिएगा। पॉइंट के पहले अगर कोई जीरो लगा हुआ है और जीरो सिर्फ इस मकसद के लिए लगाया है कि ये पॉइंट को सेपरेट करे और फिर इस जीरो के आगे कोई जीरो ना हो, बात जरा गौर से समझें। पॉइंट के आगे जीरो है, इस जीरो के आगे कोई सिग्निफिकेंट फिगर ना हो, तो फिर पॉइंट के बाद साथ ही जो जीरो हो गए वो भी सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे। ठीक है जी, ये पॉइंट जरा गौर से समझना। ठीक है, पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड पे अगर जीरो है और उस जीरो के आगे कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, पिछला तीसरा रूल ये था कि पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड पे सिग्निफिकेंट फिगर हो तो पॉइंट के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब पॉइंट से पहले जीरो है और उसके आगे कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो पॉइंट के बाद वाले साथ ही जो जीरो होंगे वो भी सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे, लिहाजा पॉइंट से पहले वाला जीरो तो है ही नहीं था सिग्निफिकेंट, उसने पॉइंट के बाद वाले जीरो को भी सिग्निफिकेंट नहीं रहने दिया। ठीक है, ये पॉइंट आप पढ़ लेते हैं। देखें 0.03, पॉइंट से पहले जीरो है, क्या उस लेफ्ट जीरो के आगे कोई सिग्निफिकेंट फिगर है? नहीं है, तो फिर पॉइंट के बाद वाले जीरो की क्या हैसियत? ये भी सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, तो सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट होगा, जो कि 3 है। सिंपल, ठीक है जी। अब ये रूल ज़रा जेन में रखना, मैंने सारी की सारी तमहीद इसीलिए बांधी है। ठीक है, वैल्यू ले लेते हैं एक और, 0.06701। तो अब यहाँ पे जीरो पॉइंट के बाद राइट साइड पे जीरो है लेकिन लेफ्ट साइड पे भी जीरो है, उस जीरो के आगे तो कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो लिहाजा पॉइंट से पहले वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा और पॉइंट के बाद वाला सिग्निफिकेंट जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, लिहाजा ये जो जीरो एरो लगा हुआ है ये भी सिग्निफिकेंट नहीं रहा। ठीक है, और इधर वाला तो वैसे ही नहीं था। अगला रूल, रूल नंबर 5। ठीक है, रूल नंबर 5 क्या है, किस तरीके से इसको हमने पढ़ना है? इन होल नंबर्स डेट आर एंड इन जीरो और मोर जीरो विदाउट आर डेसिमल पॉइंट्स, दी जीरो मे और मे नॉट बी अ सिग्निफिकेंट। जैसे आप लिखते हैं 100, बस आपने लिखा 200, आपने लिखा 1000, तो एंडिंग जीरो थे लेकिन वो पॉइंट लगने के बाद नहीं आए, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद आए, वैल्यू ले लेते हैं। ये देखें 5860000, तो इन जीरो को सिग्निफिकेंट कहते भी हैं या नहीं भी कहते, होल नंबर्स हैं। ठीक है, होल नंबर आपको पता है जो कि स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये होल नंबर रखने वाला एक सिक्स फिगर रखने वाला एक होल डिजिट है। ठीक है, तो इसके ऊपर डाउट आ जाता है। इन होल नंबर्स, ठीक है, इनको पढ़ लो, इन होल नंबर्स दैट एंड इन 1 और मोर 0, यानी कि इसके आगे एक जीरो एंड पे या ज़्यादा हो, विदाउट अ डेसिमल पॉइंट्स, अब पॉइंट्स तो नज़र नहीं ना आ रहा आपको, तो पॉइंट के बगैर, दीज जीरोस, ये वाले जीरो मे हो भी सकते हैं और मे नॉट बी अ सिग्निफिकेंट, या सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते, क्योंकि इन के बाद एक तो पॉइंट नहीं लगा हुआ, ठीक है, जो कि हमें फर्क करते पहले और बाद वालों में। ठीक है, तो लिहाजा इनमें डाउट ही रहता है। ये अभी आपने अपने जेहन में रखना है कि ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कब होते हैं कब नहीं होते, ये आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है जी, अभी आपने 5 के 5 रूल याद रखने हैं। रूल नंबर 1, सारे के सारे जीरो के अलावा सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल नंबर 2 के जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में जीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट बन जाता है। तीसरा रूल के पॉइंट के राइट साइड पे एंडिंग जीरो जो है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, शर्त ये है कि पॉइंट के इस तरफ अगर कोई सिग्निफिकेंट फिगर है तो। रूल नंबर 4 के पॉइंट की लेफ्ट साइड पे अगर जीरो है और उसके आगे कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है तो पॉइंट के इस साइड का जो जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेगा। रूल नंबर 5 के आखिरी जीरो जहां आपको डेसिमल नहीं नज़र आ रहा, वो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, जितने भी जीरो एंडिंग जीरो, वो शक में डाल देते हैं वैल्यू के, ये सिग्निफिकेंट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, क्योंकि
डाउट कहाँ पे आता है? वो आता है रीडिंग लेने पे। कौन ले रहा है, कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। याद है वो तीसरा बच्चा जो आया था, उसने अपनी दोनों फिगर्स जो है वो डाउट में डाल दी थी। हालांकि हमने पहले स्टूडेंट को पकड़ लिया था, उसका जो आर्ट था वो हमने डाउट में ले लिया था, तो लिहाजा ये डाउट में रहती हैं। इस वजह से हम इनको सिग्निफिकेंट कहते भी हैं या नहीं भी कहते। ये सिग्निफिकेंट के थे पांच रूल। अब हमने रूल पढ़ने हैं राउंडिंग के रूल्स, यानी कि किस तरीके से हम वैल्यूज को राउंड अप करते हैं या राउंड डाउन करते हैं। ठीक है, कौन सी वैल्यूज होती है जब हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से वैल्यू ली और लेने के बाद हमने उसको राउंडिंग अप किया या राउंडिंग डाउन किया। तो ये राउंडिंग अप एंड डाउन का जो रूल है, ये तीन रूल हैं, इन तीनों को याद रखना है आपने। पहला रूल, इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5 देन इट इज सिंपली ड्रॉप्ड। अगर आखिरी डिजिट, लास्ट डिजिट 5 से छोटा है, 5 नहीं, ना 5 ना इससे बड़े की बात कर रहा हूँ, 5 से छोटा छोटा, तो कौन सा नंबर होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। ठीक है, 1, 2, 3 और 4, आखिरी डिजिट अगर 5 से छोटा छोटा है, दिस डिक्रीज द नंबर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द फिगर्स फॉर एग्जांपल, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को कम कर देगा। मिसाल के तौर पे 1.93943 ये वैल्यू लिखी हुई है, 1.943 इज राउंड 2। कैसे, क्या करना है राउंड 2? ये जो 3 है ना आपका 3, ये 5 से छोटा है या बड़ा है? ऑब्वियस बात है 5 से छोटा है, हमने देखना है जो 3 5 से छोटा है। ठीक है, 3 लेस देन 5, तो हमने 3 को ड्रॉप करके 0 कर दिया, यानी कि अब वैल्यू क्या रह गई? 1.94, 3 ड्रॉप हो गया, डाउन हो गया, 0 हो गया। 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, 5 से छोटा छोटा नंबर अगर है आखिर वाला, तो हम उसको राउंड करके 0 कर देंगे। अभी ये देखें ना, 4 के साथ कुछ भी नहीं लिखा, 0 है, यानी कि अब ये सिग्निफिकेंट, पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी थी? 1, 2, 3, 4 थी, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई है? 3 हो गई, तो हमने इसको क्या कर दिया? राउंड डाउन कर दिया। ठीक है जी, फिर राउंडिंग अप या राउंडिंग डाउन रूल नंबर 2 पढ़ने हैं। रूल नंबर 2 क्या है? इफ द लास्ट डिजिट, आखिरी डिजिट इज ग्रेटर देन 5 देन द डिजिट ऑन द लेफ्ट इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो अगर आखिरी डिजिट 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो उस 5 के जो 7 वाला नंबर है आपने उसमें एक नंबर जमा कर देना, एक नंबर बढ़ा देना। ठीक है जी, पहले 5 से छोटा था तो एक नंबर डाउन कर दिया था, अब 5 से बड़ा है तो एक नंबर अगले वाले में प्लस कर देना। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डिक्रीज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द डिजिट, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स को कम कर देगा। अगर वो देखें 4 वैल्यूज है ना, तो आखिरी डिजिट 5 से बड़ा है तो हमने इसमें एक बढ़ा दिया, 5 को उड़ा दिया, तो पीछे कितनी वैल्यूज रह गई? सिर्फ 3 वैल्यूज रह गई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर रह गई। तो पहले 4 थी, 1, 2, 3, 4, अब कितनी रह गई हैं? सिर्फ 3 रह गई। ठीक है, मिसाल, चलिए मिसाल देखते हैं, 1.47। अब आखिरी क्या है? 7 है। ठीक है, 7 है, 7 5 से बड़ा होता है छोटा होता है? बड़ा होता है, ऑब्वियस बात है, 7 ग्रेटर देन 5। तो जो 7 के अगला नंबर है हम उसमें एक जमा कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? 4 में एक जमा कर देंगे, 5 और 7 को उड़ा देंगे। ठीक है जी, तो अब ये कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रह गई? 2, 1.5, बस सिंपल। पहले थी 3, ज़रा आप गौर करें, पहले वैल्यूज कितनी थी? 3, 1.47, यानी कि 1.47 3 थी, 7 5 से बड़ा था, हमने 7 को उड़ाया। ठीक है, ये 7 को उड़ा दिया और 4 में जमा कर दिया और 5 हो गया, तो 1 और 5 अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसका मतलब है कि हम राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन में आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 3, 4 से छोटा नंबर हो उसे 0 कर दो, सॉरी 5 से छोटा नंबर हो उसे 0 कर दो, 5 से बड़ा नंबर हो तो अगले नंबर में एक जमा कर दो, अगर हो ही 5 तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब राउंडिंग अप भी कर सकते हैं, उस 5 को उड़ा दो खाली, वैल्यू को ना छेड़ो, या अगली वैल्यू में एक जमा कर दो, क्योंकि आ 5 गया ना इक्वल, जहाँ से सेपरेशन होनी थी उससे आगे और उससे पीछे, तो वहाँ पे फ़र्क आ गया, आ ही वो डिजिट गया, तो हम आगे करें पीछे करें रूल तो वही रहेगा। ठीक है,
तो इफ द लास्ट डिजिट इज 5 देन इट इज राउंड टू गेट द नियरेस्ट इवन नंबर। ठीक है जी, कैसे? ये देखें 1.35 है, तो ये जो आखिरी 5 नजर आ गया, तो क्या ये मैं 5 को कम करके 0 करूं या अगले नंबर में जमा कर दूं? तो दोनों काम कर सकते हैं। जब 5 बराबर है 5 के, तो या तो आप 1.3 है 5 में, 5 के अगला डिजिट जो है उसमें एक जमा कर लें, ठीक है, नहीं तो आप सिंपल 5 को उड़ा दें, 5 की जगह 0 ले आए। तो ये देखें ना, 1.35 था तो हमने किसको राउंड कर दिया 1.4, और ये 1.35 था तो 5 उड़ा दिया सिंपल और 1.3 ही रहने दिया, दोनों ही कामयाब है। ठीक है, तो राउंडिंग अप राउंडिंग डाउन ये तीन रूल हैं। पहला, 5 से छोटा नंबर है तो उसको ड्रॉप करके 0 पे ले जाओ, 5 से बड़ा नंबर है तो उसमें एक जमा कर लें, ठीक है, और अगर 5 है तो दोनों काम कर लें, जो मर्जी करें, जमा भी कर लें एक या उसको छोड़ दें 0 रहने दें वहाँ पे। ठीक है जी, तो आपने अब जेन में रखना है कि जब 1 2 3 4 5 से छोटा छोटा नंबर आएगा तो उसको 0 कर देना। ठीक है जी, 0 खुश हो रहा है यानी कि वो आ गया उसकी जगह पे, और अगर इससे बड़ा नंबर है 6 7 8 9 तो इसमें आपने क्या कर देना है, 1 को प्लस कर देना। ठीक है जी, लेकिन तीसरा रूल क्या है कि अगर 5 बराबर है 5 के तो दोनों काम कर दें, 0 भी कर सकते हैं 1 भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा सारा का सारा आज का लेक्चर, जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर था, और जब सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाए अच्छे तरीके से कैलकुलेट करने के बाद, तो अब हमने देखना है कि उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जिसके हमने 5 रूल पढ़े और उसके बाद 3 रूल मजीद पढ़े राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन के। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, बड़ी डिटेल के साथ और बड़ी एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाया है। तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो इन रूल्स के बारे में, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डायरेक्ट मुझे कॉल करें, इस नंबर पे मेरा नंबर नज़र आ रहा है आपको, तो आपकी इंशाल्लाह क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है, अब हमने एक्सरसाइज शुरू करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला चैप्टर मुकम्मल हो चुका है, कल से हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, एमसीक्यूज करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।